करणपुर में विधानसभा चुनाव स्थगित किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिटर्निंग अधिकारी ने जारी किए हैं स्थगन आदेश। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित किया गया है। नई तारीख के ऐलान के बाद ही चुनाव होगा। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुनर का निधन हुआ है, जिसको लेकर चुनाव को स्थगित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, इस खबर पर क्या जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए आयुषी, जैसा श्री करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुनर का अल सुबह दिल्ली एम्स में निधन हुआ था, और वो न केवल श्री करणपुर विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक थे, बल्कि 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। ऐसे में उनके निधन के पश्चात श्री करणपुर के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, उनके द्वारा चुनाव स्थगन आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब चुनाव स्थगन आदेश जारी किए जाने के बाद में 25 नवंबर को जो प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें श्री करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान नहीं होगा। ऐसे में प्रदेश के अंदर महज 199 सीटों पर ही 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे, और श्री करणपुर विधानसभा चुनाव अब स्थगित किए जाने के बाद में आगामी भविष्य में जल्द ही इनका चुनाव उपचुनाव चुनाव की को दोबारा करवाया जाएगा, जिसकी तारीख राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की जाएगी। फिलहाल श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, विधानसभा चुनाव स्थगित किया गया है।